व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? इट्स इजी वन. ढाका. लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते? लीप ईयर में ना 30. ग्रेजुएट कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट रांची एंड आई एम पुटिंग माय स्क्रू ड्राइवर एवरीवेयर एंड सीइंग व्हाट इज हैपनिंग. ये है हमारे देश का युवा जिनमें से कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं. बताइए कि MPFI इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता है? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज करते हैं और गुड. MPFI में MPFI यूज करते हैं. सर आई टॉकिंग टू एन इंजीनियर? सॉरी सर MPFI इंजन जो मुझे अभी याद आ रहा है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर? सर कार्बोरेटर सर फ्यूल और एयर मिक्सचर को सिलेंडर में पंप करता है. मुझे बताइए कि वंदे मातरम तो आपको याद होगा. पहली पंक्ति का अर्थ बताइए क्या? वंदे मातरम. नहीं सुना पाएंगे पहली पंक्ति? यस वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयस्य मलयस्यामलम वंदे मातरम. पक्का अर्थ बता पाएंगे? कोई बात नहीं. क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि देश में बेरोजगारी सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जॉब्स नहीं है? वेल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी यही कहा है कि इंडिया में हर 4 में से एक MBA, 5 में से एक इंजीनियर और 10 में से एक ग्रेजुएट जॉब में रखने लायक है, यानी कि एम्प्लॉयबल है. और दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग स्किल असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड के अनुसार इंडिया के 80% इंजीनियर्स टोटली अनएम्प्लॉयबल है, यानी सिंपल भाषा में इंजीनियर कहने लायक नहीं है. बट समहाउ जब यही इंडियन स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए US जाते हैं तब वो अचानक से कमाल करने लगते हैं. लाइक जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स जो पिछले कुछ दशकों में US पढ़ने गए थे, आपको पता है उनमें से 25% इंडियंस आज दुनिया के सबसे बड़े IT टेक हब, सबसे एक्सपेंसिव रीजन जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, यानी कि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में रह रहे हैं, यानी कि वहां पर जाकर अचानक से उनका करियर सुपर सक्सेसफुल हो जाता है. तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि US के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या एक्स्ट्रा सिखाया जा रहा है जो कि इंडिया में लैकिंग है. अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए साल 2019 में एस्पायरिंग माइंड नाम की एक कंपनी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था. इस सर्वे के लिए उन्होंने 36,000 IT इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया और उन्हें एक टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिया गया. टेस्ट काफी सिंपल था. उन 36,000 इंजीनियर्स को एक सॉफ्टवेयर का कोड डेवलप करना था. अब इन सभी इंजीनियर्स ने यह टेस्ट पूरा तो कर दिया, लेकिन जब इसके रिजल्ट्स आए तब सभी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि इस टेस्ट में उन 36,000 IT इंजीनियर्स में से 34,000 से भी ज्यादा इंजीनियर्स फेल हो गए. एंड द सैड पार्ट वाज वो इसीलिए फेल नहीं हुए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, बल्कि वो इसीलिए फेल हुए थे क्योंकि उन्हें बस सिर्फ उतना ही आ रहा था जो उन्हें लेक्चर्स में सिखाया गया था. अगर यहां पर इस टेस्ट में सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे और वो प्रॉब्लम्स थे जो रियल लाइफ में वो फेस करते, यानी कि उन सभी टेस्ट पार्टिसिपेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी जैसे सॉफ्ट स्किल्स हाईली मिसिंग थे. सो क्या इंडियन स्टूडेंट्स एक गलत लर्निंग टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं? इफ यस, तो उसका सोल्यूशन आखिर क्या है? वेल, इसका एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफी सारे आइडियाज आएंगे. रिसेंटली कुछ नए इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मौजूद इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. ये इंडिया में रहते हुए US जैसा एक डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लेवल के फीस पर. और यही वजह है कि आज हम वाइल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की खामियों को एड्रेस कर रहे हैं, हम इन रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स को भी हाईलाइट करेंगे. बस उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आई थिंक हम सबको पहले पूछना चाहिए कि क्या ये सॉफ्ट स्किल्स रियल लाइफ में एक्चुअली में इतने मैटर करते हैं या फिर ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा आपके दिमाग में डाला गया सिर्फ एक प्रोपोगंडा है. अब इस पर जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तब हमें ये पता चला कि टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी जी ने ये खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया के 94% ग्रेजुएट्स सॉफ्ट स्किल्स ना होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर नहीं हो पा रहे. उनके अनुसार AI के मार्केट में आने के बाद से मार्केट के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल चुके हैं. जहां पहले हर छोटे से बड़े कंपनी की हायरिंग सिर्फ डिग्रीज के बेसिस पर होती थी, वहीं पर आज की तारीख में कोई भी अपने एक पोटेंशियल एम्प्लॉय में डिग्री के साथ साथ बाकी के सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप भी देखता है. सो दैट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो AI सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो उनके डाइवर्स स्किल सेट वाले एम्प्लॉय सॉल्व कर ले. इन शॉर्ट, आज के तारीख में कंपनीज ऐसे टैलेंट पर पैसे खर्च करना चाहती है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में रियल वैल्यू लेकर आए, जो ऑर्गेनाइजेशन को बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे. अब जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आज के तारीख में भी एकदम आउटडेटेड है. यही प्रॉब्लम है कि किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ उसके कोर्सेस से रिलेटेड चीजें ही सिखाई जा रही है,
और सॉफ्ट स्किल्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम की एग्जैक्ट इसी नाकामयाबी की वजह से 80% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल है विद अ डिग्री। और इसीलिए इंडिया में आज के तारीख में आपको ये बढ़ता हुआ पैटर्न भी नजर आएगा कि आपके आसपास के सारे फ्रेंड्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, मे बी कॉलेज के फ्रेंड्स, वो सब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। अगर मैं मेरे केस के बारे में बताऊं तो मेरे स्कूल के ऑलमोस्ट 80% लोग बाहर जा चुके हैं, फॉरेन कंट्रीज में चले गए स्टडीज करने के लिए। बट सवाल यहां पर मेन ये आता है कि क्या फॉरेन कंट्रीज में जाने के अलावा हमारे पास इंडिया में रहते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है? वेल, हाल ही में, और आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, इंडिया में LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे कई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई है जो आपको बिल्कुल फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसा एक्सपीरियंस इंडिया में भी दे रही है। इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि 4 साल के आपके किसी भी कोर्स के दौरान आप इंडिया में 2 साल के लिए पढ़ सकते हो और बचे हुए 2 साल उस कोर्स को आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पूरा कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने का, वहां पर रहने का ये सारा खर्चा ये यूनिवर्सिटी खुद ही स्पेंड करेगी। अब यहां पर सवाल यह आता है कि आखिर LPU जैसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में रहते हुए भी US जैसा एजुकेशन सिस्टम आपको कैसे दे सकती है, क्योंकि इंडिया और US के एजुकेशन सिस्टम में तो जमीन आसमान का फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग मेथड्स प्रेवेलेंट है जिसके वजह से स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल कोर्सेज लेने का मौका ही नहीं मिलता। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं और अगर मुझे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो आई एम नॉट एट ऑल अलाउड टू परस्यू दैट। इसका नतीजा बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट के बिना बस लकीर के फकीर बन जाते हैं। उनके गोल्स नैरो हो जाते हैं, उनके पैशंस नैरो हो जाते हैं और वो वाइडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देख ही नहीं पाते जहां से एक्चुअली में क्रिएटिविटी निकल कर आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। और इसी के चलते उनमें अनफॉर्चुनेटली सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन US जैसी कंट्री में इंफॉर्मेशनल ग्रोथ के साथ साथ सोशल स्किल्स डेवलप करने पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। वहां पर सपोज अगर मैंने साइंस को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया तब भी मैं लैंग्वेजेस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स जैसे बाकी कोर्सेस को भी अपने डिग्री के साथ साथ साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकता हूं एज अ माइनर कोर्स। यानी कि ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले US के एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और सिस्टम काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है जिससे लोग अपने चॉइसेस को भी परस्यू कर सकते हैं एंड दे कैन डेवलप ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग। और यही वजह भी है कि आज US के इंजीनियर्स को किसी भी कंपनी में बड़े ही आसानी से जॉब मिल जाता है। तो क्या इसीलिए LPU इंडिया में US के एजुकेशन सिस्टम को ही रेप्लीकेट कर रही है, और अगर हाँ तो आखिर कैसे? वेल, टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, यही उनका मॉडल है। US के सिस्टम से इंस्पायर होकर जलंधर पंजाब में स्थित LPU यूनिवर्सिटी ने अपने सारे कोर्सेज को इसी तरीके से डिजाइन किया है। ये यूनिवर्सिटी आपको एक स्पेसिफिक मेजर सब्जेक्ट के साथ किसी भी दूसरे फील्ड के माइनर सब्जेक्ट्स को चुनने का मौका देती है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है तो उसके साथ आप फोटोग्राफी जैसे बाकी के कोर्सेज भी एक्स्ट्रा स्किल्स के तौर पर सीख सकते हो। इनफैक्ट इसमें फर्स्ट ईयर से ही टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाकर लास्ट ईयर में होने वाले प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए तैयार किया जाता है और जिसके लिए यहां पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी है। प्लस इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन भी यहां पर होता है ताकि बच्चों को पता चले कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और वो उस हिसाब से अपने आप को प्लेसमेंट्स के लिए तैयार कर सके और पहले से ही अपने उन स्किल्स पर वर्क करके उन्हें रिफाइन कर सके। और अगर इन बच्चों में से कोई भी बच्चा एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देता है तो उसे डायरेक्टली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कनेक्ट करवा दिया जाता है फॉर पर्सनल मेंटरशिप भी, विच इज प्रीटी यूनिक इन द एजुकेशन सेक्टर। इन सब के साथ एक और एक चीज है जो LPU को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है और वो है इनका चेंजिंग सिलेबस। नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज में सालों से जो चीजें पढ़ाई जा रही है बस चीजें वैसे ही चलती जाती है, वही पढ़ाया जाता है। बट इस यूनिवर्सिटी में हर साल इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की मदद से सिलेबस को रीडिजाइन और अपग्रेड किया जाता है सो दैट इंडस्ट्रीज जहां पर वो फाइनली काम करने वाले और एजुकेशन के बीच का जो गैप है वो खत्म हो सके। टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड स्पोर्ट्स, तो LPU का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पर 30 वानखेड़े स्टेडियम्स आराम से फिट हो सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? इस कैंपस में हर साल स्पोर्ट्स, थिएटर और म्यूजिक से जुड़े कई सारे इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इनफैक्ट आपने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है ये भी इसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रह चुके हैं? वेल, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की डाइवर्सिटी की तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर 40 से भी ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है।
जो कि उन्हें एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में टीम अप और परफॉर्म करने का मौका देता है। ऊपर से प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पहुंचते हो, एलपीयू के कैंपस में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज की जॉब प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो जाती है, जिसमें फॉरेन कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल होती हैं। एंड एलपीयू मेक श्योर करता है कि यहां पर पास आउट होने वाला हर एक बंदा एक जॉब के साथ ही कैंपस से बाहर जाए। इनफैक्ट 2023 में एलपीयू यूनिवर्सिटी ने उनके 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट पैकेज था 3 करोड़ का। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर हमें एक बड़ा पैकेज चाहिए तो कौन सी डिग्री लेनी होगी। आउट ऑफ ऑल दी डिग्रीज अवेलेबल, कौन सी डिग्री बेस्ट है? अब इसके लिए जब हमने पिछले 5 साल का ट्रेंड स्टडी किया, तब हमें ये पता चला कि रिसेंटली मार्केट में एक ऐसा मेजर रेवोल्यूशन आया है जिसने जॉब मार्केट को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। एक्चुअली एज वी ऑल नो, पिछले कुछ सालों में AI के आने के वजह से कई लोगों के जॉब्स खतरे में आ चुके हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक AI करीब 85 मिलियन जॉब्स में इंसानों को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन AI को डेवलप और ट्रेन करने के लिए तो मैन पावर की ही जरूरत पड़ेगी, है ना? और बस यही रीजन है कि आने वाले सालों में मशीन लर्नर्स और AI डेवलपर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, और 2032 तक ग्लोबल AI का जॉब मार्केट $2,745 बिलियन तक पहुंचने वाला है। मतलब AI डेवलपर बनना एक अच्छा वाला जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक काफी प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन है। अब AI डेवलपमेंट से ह्यूमैनिटी का बहुत ही फायदा हो रहा है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी काफी भारी मात्रा में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डीप फेक, जिसको गलत तरीके से यूज करके लोग चेहरे बदलकर फेक न्यूज और रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए एक न्यू वेव ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं जो पहले के जमाने में नहीं थे। और इसीलिए इस सब से बचने के लिए सोशल मीडिया पर एक हेल्दी माहौल बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे जॉब्स की भी डिमांड एकदम से बढ़ती जा रही है, जो ऐसे अनएथिकल चीजों को आइडेंटिफाई करके वक्त रहते उन्हें कंट्रोल कर सके। ऑल्सो आज के टाइम में फाइनेंस से लेकर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी तक हर एक फील्ड में एक बड़े पैमाने पर डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और इसीलिए डेटा को डिराइव करना और उसे स्टडी करके ठीक तरीके से इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना एक इंपॉर्टेंट जॉब बन चुका है जो डेटा एनालिस्ट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी कंपनी में मौजूद डेटा एनालिस्ट अपनी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को स्टडी करके उसके मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट के लिए फ्यूचर गोल्स और इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करता है। सेम ऐसा ही जैसे मैंने अभी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की, होता है मार्केटिंग, सेल्स, HR हर डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली टेकिंग गुड डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैज बिकम इमिनेंट नाउ, और वो हर कंपनी का लिटरली बैकबोन बन गया है। और ऐसे में 2025 तक इंडिया में करीब 1 लाख से ज्यादा डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। एंड यू नो व्हाट, रिसेंटली नासा में काम कर रहे डेटा एनालिस्ट ने ही प्लूटो के डेटा को रिकैप्चर करके उस डेटा को पिक्चर के फॉर्म में पेश किया। एंड यू वोंट बिलीव इट, वो जो डिराइव्ड इमेजेस है उनमें से एक इमेज तो ऐसी है जिसमें लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक क्रैब लाइक क्रस्टेशियन जैसे दिखने वाली स्पीशी प्लूटो के सरफेस पर पनप रही है। अब वहां पर एग्जैक्टली कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है या फिर नहीं, इसे मैंने काफी डिटेल में एनालाइज करके अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई हाईली सजेस्ट यू चेक आउट दैट वीडियो। और जैसे हमने डिस्कस किया, सारे वेल पेइंग जॉब्स से रिलेटेड डिग्री कोर्सेज LPU में अवेलेबल है, जो कि एक गवर्नमेंट ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटीज की रेस में 3rd रैंक पर आती है। सो डू चेक आउट देयर वेबसाइट नाउ एंड मेक योरसेल्फ अ बेटर इंडिविजुअल। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।